नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल सवाल जवाब में। और मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक सवाल जवाब के साथ। तो पूरा वीडियो देखना ना भूले, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको फ्री में मिलते रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज मैं एक ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो आप सभी के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है, चाहे आप स्टूडेंट हो या कॉलेज में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, या फिर आप कोई नौकरी करते हो, ऑफिस का काम करते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ WPS ऑफिस के बारे में। WPS ऑफिस है दोस्तों, जैसे कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को चलाते हैं और उसमें जितने भी काम करते हैं दोस्तों, जैसे कि एक्सेल सीट में कोई सी भी सीट बनाना, टेबल बनाना या मार्गशीट बनाना, इस टाइप का काम जो करते हो एक्सेल में, या फिर वर्ड में डॉक्यूमेंट्स में लेटर बनाते हो, कोई पत्र लिखते हो, या PPT प्रेजेंटेशन जो जिसे बोलते हैं वो तैयार करते हो, ये सभी के लिए होता है। चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या फिर किसी ऑफिस में हो, या सरकारी कर्मचारी हो, जो भी हो, सभी के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो ये मेरा वीडियो पूरा देखना ना भूले दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से मैं बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखें और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर देना। तो चलिए, अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये WPS ऑफिस। तो मैंने ये WPS ओपन कर लिया है दोस्तों। ये सभी मोबाइल में होता भी है और मैं आपको और बता दूंगा कि आप WPS को गूगल प्ले स्टोर में जाके WPS ऑफिस लिखेंगे, वहां से इंस्टॉल कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, ये प्लस का बटन बना हुआ है, ये एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो चुका है और ये शुरू में इस तरह से दिखता है। तो दोस्तों एक के बाद स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी यहाँ पे पूरी प्रोसेस। तो दोस्तों यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन में 5 ऑप्शन मिलेंगे आपको देखने को। ये फर्स्ट है, ये कैमरा दिख रहा है दोस्तों, ये कैमरा होता है सर, ये स्कैन करने के लिए, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करना हो तो आप इस कैमरे पे ओके करोगे तो आपका मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कैमरे से उस डॉक्यूमेंट से या लेटर या फिर किसी आपके आधार कार्ड या किसी भी पत्र की फोटो खींच सकते हो और वो स्कैन होके इस एप्लीकेशन में आ जाएगी, PDF बन जाएगा उसका। तो दोस्तों ये तो कैमरे वाली बात स्कैनर का हो गया। दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट का, जैसे कि आप डायरी में कुछ नोट करते हो उस तरह से आप इस पे टेक्स्ट पे जाके नोट कर सकते हो। इसको मैं ओपन करके बता देता हूँ, ये मैंने इसको ओपन किया और ये ओपन हो रहा है और ये यहाँ पे एक सिंपल सा पेज खुल गया है जहाँ से आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, आपका जो भी प्रोग्राम है, कुछ भी आप शेड्यूल तय करना, जो भी आप नोट करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाम, प्रोजेक्ट या फिर क्लास, या फिर हम लिख सकते हैं कुछ शेड्यूल या फिर मीटिंग टाइम जो भी, और यहाँ से आप सेव कर सकते हो, यहाँ से डन कर दीजिए और सेव कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ या फॉर्मेटिंग के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों सभी फॉर्मेटिंग देखने को मिल जाएगी आपको, यहाँ से क्लोज लेता हूँ मैं क्योंकि ये सेव के लिए पूछता है दोस्तों, सेव करना है या नहीं करना है, कैंसल कर सकते हैं वापस डॉक्यूमेंट्स में जाने के लिए, या तो फिर आप डोंट सेव या सेव, आपको नहीं सेव करना तो इस पे क्लिक करना है, सेव करना तो इस पे, सेव पे, तो मुझे सेव नहीं करना इसलिए डोंट सेव। अब दोस्तों मैं मेन जो हमारे तीन
टूल्स है, यानी कि पावर पॉइंट, एक्सेल सीट और वर्ड हो गया। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक्सेल सीट के बारे में बताऊंगा। एक्सेल सीट आप कैसे तैयार कर सकते हो, आप मार्कशीट कैसे तैयार कर सकते हो, या फिर कोई टेबल कैसे तैयार कर सकते हो। यहाँ मैं आपको एक मार्कशीट बना के बताऊंगा और उसमें सभी फॉर्मेटिंग करूंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों देखिए, दोस्तों यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ विषय, यहाँ पे चलो लिख लेते हैं विषय, ये मैंने विषय लिखा, और यहाँ पे पूर्णांक, यहाँ पे प्राप्तांक, ठीक है दोस्तों। ये तीन कॉलम में हमने लिख लिया। दोस्तों ये जो खड़े जो होते हैं इनको कॉलम कहा जाता है, जैसे ए कॉलम, ये बी कॉलम, ये सी कॉलम, और ये जो होती है ये रो, ये 4 नंबर रो, 5 नंबर रो, जैसे कि ये इंसर्ट रो लिखा रहा, इस टाइप से। दोस्तों अब यहाँ पे नीचे लिखना है विषय, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी, सॉरी हिंदी, अंग्रेजी, जो भी लिखना है दोस्तों। आप, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 2-3 विषय लिख देता हूँ, ये गणित। अब दोस्तों मैं इसको पूर्णांक दे देता हूँ, ये 100 नंबर, ये भी 100 नंबर, और ये भी 100 नंबर का प्राप्तांक। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 56, 47 और 81। दोस्तों यहाँ पे प्रतिशत का भी कॉलम बना देता हूँ, तो आपको प्रतिशत निकालना भी सीख जाओगे आप। तो प्रतिशत, ये प्रतिशत, ये वाला, ये आ गया प्रतिशत वाला। अब यहाँ पे दोस्तों फार्मूला एक लगा देता हूँ। फार्मूला लगाने के लिए दोस्तों बराबर का बटन दबाते हैं, जैसे ये दिख रहा बराबर। दोस्तों ये बराबर लगा दिया। इसके बराबर के बाद में मुझे यहाँ पे सेल सिलेक्ट करना, मैंने ये सेल सिलेक्ट की C4, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया ये ऑटोमेटिक आ गए। एक ही बार करना है तो एक ही बार, ये इसमें दोस्तों इसमें हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा, फिर ये भागित, ये दोस्तों स्टार मतलब गुणा होता है। तो मैंने यहाँ पे एक बार और बता देता हूँ शुरू से फार्मूला, जैसे बराबर लिखेंगे उसके बाद में जिसका भी परसेंटेज निकालना, जैसे 56, 100 में से 56 कितना परसेंट, तो 56 को मैंने सिलेक्ट किया, गुणित लगा दिया मैंने स्टार, और 100, 100 का गुणा कर दिया, भागित, ये देख रहा है दोस्तों भागित, फिर ये 100 का ही भाग देंगे दोस्तों, क्योंकि ये 100 का ही भाग देना पड़ेगा जो भी पूर्णांक इसका, और इंटर दबा देंगे। तो देखिए दोस्तों ये 100 आ गया। यहाँ पे मैं पूर्णांक को चेंज कर देता हूँ दोस्तों, जैसे मैं पूर्णांक 200 कर देता हूँ, यहाँ पे भी 200 और यहाँ पे भी 200 कर देते हैं। चलिए दोस्तों अब देखिएगा, 200 का 56, 28%, देखा है ऑटोमेटिक बदल रहा है। यहाँ पे मैं 400 लेता हूँ, जैसे पूर्णांक 400, तो 400 में से 56 नंबर, यानी कि 14%, या फिर यहाँ पे मान लो आपके 75 पूर्णांक 75 का है, तो आपके 74.66% बनेंगे 56 में से। तो इस तरह से दोस्तों ये फार्मूला, इसके बाद में आप, ये तो गलत, चलो ये फार्मूला आ गए दोस्तों, इस पे क्लिक करके दोस्तों ये से नीचे खींच भी सकते हो आप, सॉरी आप दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको बॉर्डर देना है, तो
जहाँ पे भी बॉर्डर देना उस उतने उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ये इतना सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस पे बॉर्डर लगाना। यहाँ पे मेनू पे गया और दोस्तों यहाँ पे जाएंगे हम फाइल पे, फाइल के बाद व्यू, इंसर्ट, डाटा और रिव्यू, ये इतने हमारे मेन मेनू है। तो यहाँ से हम पूरी सेटिंग कर सकते हैं। होम पे टेक्स्ट का साइज बदलना हो, लैंग्वेज बदलनी हो, बोल्ड करना, जैसे ये दिख रहा होगा बोल्ड, या इटैलिक करना हो, या अंडरलाइन देना हो, जो भी दोस्तों यहाँ से आराम से कर सकते हो। उसके बाद में नीचे आएंगे तो टेक्स्ट का कलर, जैसे जो भी कलर देना हो दोस्तों, यहाँ से मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया। और वापस लाना तो ऑटोमेटिक पे कर दीजिए, जो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, तो ये कलर दे देते हैं। उसके बाद में फाइल कलर, दोस्तों बैकग्राउंड में कौन सा कलर दिखना चाहिए आपको, लगाना हो तो ये लगा सकते हो, जैसे कि ये येलो, रेड वगैरह जो भी हो। तो मैं यहाँ पे इसको तो हटा देता हूँ, कोई कलर नहीं रखना। और अलाइन टेक्स्ट, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, जैसे ये सेल के बीच में नहीं आ रहा है, सभी राइट में आ रहे हैं, ये जो राइट अलाइन इसमें है, तो अपन ये इस पे सिलेक्ट करेंगे हम, और ये सेंटर में हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये सेंटर में हो गया। ये आपको एक एक बता देता हूँ, ये लेफ्ट, ये सेंटर, ये राइट, ये टॉप, और ये टॉप बॉटम। दोस्तों यहाँ पे सेंटर कर दीजिए। अब आती है बॉर्डर दोस्तों, ये बॉर्डर ये होती है डॉट डॉट, मतलब कोई बॉर्डर, इसमें ये वाली बॉर्डर सिलेक्ट कर लेंगे, जैसी भी बॉर्डर यहाँ से कोई सी भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये चारों तरफ वाली बॉर्डर दे देते हैं, और यहाँ से बैक, ये बॉर्डर आ गई है दोस्तों। इसके बाद में ये फॉर्मेटिंग है, तो यहाँ से तो चलो ठीक है, अब हम चले जाते हैं वापस। ये देखिए दोस्तों ये बॉर्डर आ गई है। अब हमें यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना, तो ये तीनों को मार्ज करना पड़ेगा। ये मैंने चार कॉलम सिलेक्ट किए और इसको मार्ज कर दिया, ये एक सेल बन गए, चारों सेलों को मिला के एक सेल बन गए। यहाँ पे मैं एक स्कूल का नाम लिख देता हूँ, छोटा सा कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे प्रिय प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी स्कूल भोपाल, दोस्तों मैंने एग्जाम्पल के लिए भोपाल लिख दिया है। और वापस जाएंगे यहाँ पे और इसको सेंटर में करेंगे, और इसका साइज बढ़ाना है तो ये जाएंगे मेनू में, ये यहाँ से दोस्तों साइज बढ़ाने के लिए 11 से हम कर देते हैं इसको 16, ये बड़ा हो गया है। और यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं, और इसके बाद में इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये लाल कलर लाल दे देते हैं, चलो ठीक है लग रहा, बैकग्राउंड दे देते हैं दोस्तों इसमें। और अलाइनमेंट, अलाइन सेंटर करना पड़ेगा, ये सेंटर कर दिया हमने। बॉर्डर तो दोस्तों ऊपर देने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही। अब ये हो गया हमारा मार्गशीट, ये हो गई दोस्तों। यहाँ पे अब जैसे कि हमें नाम लिखना हो, और यहाँ पे एक ही रो बची है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पे, ये क्लिक किया दोस्तों, और इंसर्ट रो आ गई, इस पे ओके कर दिया, ये रो आ गई। और भी रो लेना है तो दोस्तों यही प्रोसेस रहेगी, इंसर्ट रो करते जाओ, इस पे क्लिक किया और इंसर्ट रो। ये दोस्तों चूंकि ये फॉर्मेटिंग भी आ रहा है, इसलिए इसको फॉर्मेटिंग को इनको हटाना है। इतना सिलेक्ट किया, सेटिंग में गए ये मेनू में, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा क्लियर, क्लियर में जाके दोस्तों क्या क्लियर करना है, ऑल या फिर फॉर्मेट या फिर कंटेंट, तो यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक कर देते हैं। और ये दोस्तों ये क्लियर हो गया हमारा। चलिए दोस्तों यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जैसे नाम लिख देते हैं हम, नाम, नाम के बाद यहाँ पे नाम देते हैं, जैसे राज, एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ले सकते हो। इसके बाद रोल नंबर, रोल नंबर
ये रोल नंबर लिख दिया, रोल नंबर हम कुछ भी डाल देते हैं दोस्तों, जो भी ये रोल नंबर डाल दिया, इसको भी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। तो इसके लिए ये सिलेक्ट कर लो, जिसमें भी सेटिंग करना फॉर्मेटिंग उसे सिलेक्ट करना पड़ता है दोस्तों। उसके बाद मेनू पे गए, इसे हम करेंगे इटैलिक और इसका कलर देंगे ग्रीन दे देते हैं। ये अच्छा नहीं दिख रहा दोस्तों, ये येलो दे देते हैं। इसका फाइल कलर तो नहीं देते, ठीक है, जैसा भी दोस्तों अच्छा लगे। तो ये हो गया दोस्तों, ये छोटी सी मार्गशीट बन गई यहाँ पे। तो आपको दिख रहा होगा कि अच्छे से समझ में आ गए एक्सेल सीट, और मैं आप पूरा वीडियो देखते जाइए दोस्तों, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। और भी जैसे कि इसमें एक्सेल में आपको एक अच्छा ऑप्शन बताता हूँ, जैसे यहाँ पे मेनू में जाएंगे दोस्तों, मैं पूरा समझा देता हूँ। मेनू में जाएंगे, होम, होम बटन में ये साइज बढ़ाना, ये एरिया फंट चेंज करना, जैसे इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये तो दोस्तों ये पूरा बता दिया दोस्तों। फाइल में जाके बताता हूँ, फाइल जो है, फाइल में इसे सेव करना है तो सेव एज पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, मतलब आपने जो एक्सेल सीट जो बनाई है जानकारी इसे पीडीएफ बनाना, तो यहाँ से पीडीएफ बना सकते हो। शेयर करना है तो दोस्तों यहाँ से व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल पे शेयर कर सकते हो। और दोस्तों डॉक्यूमेंट्स इंस्क्रिप्शन, मतलब इंस्क्रिप्शन यहाँ पे आप इसे लॉक भी कर सकते हो या पासवर्ड डाल सकते हो। तो ये फाइल में हो गया दोस्तों। व्यू में आता है कॉपी पेस्ट, तो दोस्तों जैसे ये राज, इससे मैंने सिलेक्ट किया और कॉपी कर लिया दोस्तों, और यहाँ पे क्लिक करके मैं कहीं पे भी क्लिक करके इसे पेस्ट कर सकता हूँ। जैसे ये पेस्ट हो गया, यहाँ पेस्ट करना तो ये ऑप्शन है पेस्ट, ये जैसे पेस्ट हो गया वैसे ही दोस्तों। यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन है, फाइन ऑप्शन है, फाइन ऑप्शन में जाके आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं पूरे एक्सेल सीट में। उसके बाद में यहाँ पे एक और जो फिल्टर ऑप्शन, ये जो मेन है दोस्तों, फिल्टर का मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने ये एक पूरा रो सिलेक्ट की, यहाँ पे मैं फिल्टर पे ओके करता हूँ, कुछ चलो दोस्तों देख लेते हैं। कहाँ थे हम, व्यू में, चलो दोस्तों फिल्टर तो वैसे ही शॉर्ट होता है, यहाँ पे ये बंद और चालू होता है, ये पूछ रहा है, चलो ठीक है। इंसर्ट पे जाते हैं दोस्तों, जैसे कि सेल इंसर्ट करनी है या पिक्चर, आप इस एक्सेल सीट में जैसे कि आप मार्कशीट बना रहे हो तो दोस्तों, या आप मार्कशीट पे आप बच्चे वगैरह या स्टूडेंट की फोटो देना चाहते हो, यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, पिक्चर इंसर्ट। यहाँ से आप कैमरे से खींचना हो या आप जैसे भी करना हो इंसर्ट कर सकते हो दोस्तों, ये जो इंसर्ट। उसके बाद में दोस्तों चार्ट बनाना हो आपको तो यहाँ से चार्ट भी बना सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स या शेप, ये शेप आ गया, शेप लिया हमने। जैसे भी आपको चाहिए यहाँ से ऐसे इसको बढ़ा सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो, ये शेप। और दोस्तों अब वापस चलते हैं, तो दोस्तों व्यू तो देख लिया, इंसर्ट भी हो गया दोस्तों हमारा यहाँ पे, और तो कुछ काम के नहीं है। अब डाटा में जाते हैं दोस्तों, डाटा में ये फिल्टर ऑप्शन होता है दोस्तों, ये हमारा बहुत काम का है। जैसे इससे मैं ओके कर दे, ये चालू हो गया। उसके बाद में जैसे यहाँ पे फिल्टर करना हो, यहाँ पे जैसे असेंडिंग, ये बढ़ते क्रम में, तो ये बढ़ते क्रम में आ गया। इससे घटते क्रम में लेना हो तो डिसेंडिंग, ये जिस ऑर्डर में आप इसे देना चाहते हो इसे दे सकते हो। इसे थोड़ा बाहर कर देते, ये फिल्टर काफी अच्छा है, जैसे कि जिस फॉर्मेट में देना उसमें कर सकते हो आप।
जैसे ये नंबर है तो ये घटते क्रम में दिख रहे हैं, तो ये बढ़ते क्रम में दिख रहे हैं दोस्तों, इसको घटते क्रम में लाना, तो फिर वापस से यहाँ पे दूसरा ऑर्डर देंगे। ये देखिए अब ये घटते क्रम में दिखने लग गए, ऐसे ही फॉर्मेट कर सकते हो आप डाटा, ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑटो सम कर सकते हो। ऑटो सम दोस्तों बता देता हूँ, जैसे कि मैं ये तीन सिलेक्ट करता हूँ, ये तीन तीन सेल, और मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे डाटा में और ऑटो सम पे क्लिक करूंगा और ये सम पे क्लिक करूंगा, तो ये देखिए दोस्तों ये 3ों का जोड़ आ गया, ये 184, ये ऑटो सम कर दिया, जितना सिलेक्ट था उनका सभी का ये जोड़ आ गया, तो ये भी काफी अच्छा है। उसके बाद रिव्यू में तो कुछ खास है नहीं दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने एक्सेल सीट के बारे में पूरी जानकारी दे दी जैसे दोस्तों, और ये जो मेन है यहाँ पे फंट बोल्ड इटैलिक कर सकते हो, फंट का कलर चेंज करना, जैसे ये देखिए दोस्तों ये कलर चेंज कर लिया हमने, या दो सेलो जैसे एक सेल दो सेल को मिलाना है या चार को, तो ये मिला सकते हो। और दोस्तों ये एक प्रॉब्लम ये होती जैसे हमने कुछ भी लिखा और वो ज्यादा बड़ा है और सेल छोटी है, तो ये इस तरह से आ जाता है। इसके लिए दोस्तों फिर क्या करना होता, मैं मार्ज कर वो रेप उसके लिए देखिए दोस्तों, ये रेप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये सेल उसके हिसाब से हो जाएगी एडजस्ट। और दोस्तों यहाँ से आप ऐसे क्लिक करके यहाँ से जिससे भी बढ़ाना चाहते हो खींच सकते हो, जिसको छोटा करना हो बड़ा, ये दोस्तों ये तो हो गया एक्सेल सीट का ये। और यहाँ सीट 1 सीट 2 सीट ऐसे अलग अलग दी हुई है, 3ों सीटें ये अलग अलग जैसे कंप्यूटर में आती है, लैपटॉप में जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको देखने को मिलेगी, सेम टू सेम यहाँ पे भी है, कोई अंतर नहीं है दोस्तों। यहाँ से इसको डन कर दीजिए और ये सेव। अब दोस्तों एडिट मोड में जब जाएंगे, एडिट मोड में तभी ये सभी मेनू आएंगे और एडिट हो पाएगा। अब जैसे डन रहेगा, व्यू मोड है सिर्फ ये देख सकते हैं, इसको एडिट नहीं कर सकते, और सेव करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फोन में या डॉक्यूमेंट्स में सेव, तो यहाँ पे मैं फोन में क्लिक करता हूँ और ये नाम जो भी फ्रंट में दिया था शुरू में वो ही ले लिया। तो प्रियदर्शनी स्कूल लिखा था हमने, चलो जिस नाम से सेव करना, जैसे मैं प्रियदर्शनी से सेव करना नाम से, तो इसको प्रियदर्शनी और यहाँ सेव कर देता हूँ दोस्तों। तो ये हमारा एक्सेल सीट, ये जो मार्ग सीट है ये सेव हो गई है। अब दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और मैं आप अब बताऊंगा आपको पीपीटी के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में, स्लाइड शो के बारे में, कि आप स्लाइड कैसे बना सकते हो। अभी एक्सेल के बारे में बता दिया मैंने, अच्छे से पूरी जानकारी दी, इसके बाद पीपीटी और वर्ड दोनों बताऊंगा, तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए। अभी मैं पीपीटी के बारे में थोड़ा सा मेन मेन जो है वो बताऊंगा आपको और अच्छे से समझा दूंगा कि पीपीटी कैसे तैयार करोगे, उसके बाद में वर्ड में लेटर कैसे तैयार करना वो बताऊंगा। चलते हैं पीपीटी इस पे ओपन, ये हमारा प्रेजेंटेशन ओपन हो गया, स्लाइड ये फर्स्ट और ये सेकंड स्लाइड जो भी फॉर्मेट लेना है यहाँ से ले सकते हैं, जैसे ये एक फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिया हमने दोस्तों, ये यहाँ पे डबल क्लिक करना है और लिखना है सीधे हमें, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्कूल, जो भी लिखना आप लिख सकते हो, मैंने ये लिख दिया। दोस्तों
दोस्तों मैंने यहाँ पे सवाल जवाब लिख दिया है, इसको मैंने कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल कर लिया। दोस्तों यहाँ से डबल क्लिक करके आप सिलेक्ट भी कर सकते हो, ये सिलेक्ट, और इसको बड़ा करना हो तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जितना भी बड़ा करना उतना। झूम झूम नहीं दोस्तों, ये सिर्फ वर्ड साइज बढ़ रहा है, ये साइज बढ़ा दिया मैंने, इसको बोल्ड कर दिया। दोस्तों इसका कलर चेंज करना, तो टेक्स्ट का कलर यहाँ से देते हैं जो भी ठीक लगे, ये टेक्स्ट का कलर दे दिया यहाँ से बैक। और दोस्तों ये फॉर्मेटिंग सेम टू सेम है, एक्सेल में बताई थी वैसे सेम, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, आपने ध्यान से वीडियो देखा हो तो। यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो पिक्चर्स, टेक्स्ट बॉक्स, सेव, और यहाँ से फाइल को सेव करना, सेव एज करना, और यहाँ से प्ले करना। दोस्तों यहाँ पे स्लाइड प्ले भी होती है, जैसे ये एक स्लाइड हमने बनाई तो ये प्ले हुई, जैसे ये दोस्तों ये प्ले। अब इसके बाद में यहाँ मेनू है, वो ये जो स्लाइड है इसमें व्यू में लेआउट है। तो दोस्तों ये तो सिंपल पीपीटी हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों। तो चलो ठीक है, यहाँ पे जो अपनी स्लाइड चेंज होगी इसको यहाँ से हम बदल सकते हैं, जैसे ये इस तरह से, या फिर जैसे भी आपको चाहिए, क्योंकि हमारी अलग अलग स्लाइडें होगी तो आपको जैसा भी सेट करना यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ से इंसर्ट, प्ले, फाइल वगैरह। तो ठीक है दोस्तों, इसे हम आप क्लोज ले लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा, इसे मैं सेव नहीं करता हूँ। इसके बाद एम एस वर्ड सॉरी मैं एम एस नहीं बोलूँगा दोस्तों, ये डब्ल्यू पी एस है, तो डब्ल्यू पी एस में हम यहाँ पे वर्ड में जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों एक लेटर टाइप करके मैं फॉर्मेटिंग करके बताऊंगा आपको, जैसे यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे कि चलो कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे मैं हमारे चैनल सवाल जवाब को अभी सवाल जवाब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें बिल्कुल फ्री में। ये देखिए दोस्तों मैंने ये टाइप कर लिया, और आपने आपने या फिर लिखते हैं हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा, लाइक जरूर करें। दोस्तों ये ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ से उसको सिलेक्ट करके ये इसका साइज बढ़ाना हो या छोटा करना हो या बोल्ड करना या कलर चेंज करना, तो यहाँ से कलर चेंज करना, जैसे ये कलर चेंज कर दिया मैंने इसका, या इसे हाईलाइट करना है तो हाईलाइट करना। देखे दोस्तों ये इसका कलर चेंज और हाईलाइट हो गया। इसी तरह से आप यहाँ से यहाँ पे पूरा लेटर लिख सकते हो, और मेनू में आपको देखने को मिलेगा ये फॉर्मेटिंग, यहाँ से हाईलाइट जिस कलर में करना हो उसमें हाईलाइट कर सकते हो, टेक्स्ट कलर दे सकते हो, फाइल कलर दे सकते हो, ये साइज बढ़ा सकते हो। इसके बाद में फाइल में सेव और सेव एज कर सकते हो, इंसर्ट करना आपको फोटो या फिर टेबल
यहाँ पे मैं टेबल इंसर्ट करके बता देता हूँ आपको। ये टेबल इंसर्ट कर ली मैंने। तो दोस्तों इस तरह से आप वर्ड में काम कर सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने एक्सेल शीट आपको बहुत अच्छे से बताई और आपको समझ में भी आई होगी, और मुझसे कुछ छूट गया होगा या फिर आपको समझ में थोड़ा सा नहीं आ पाया हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ताकि मैं इसे और सुधार पाऊँ। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दे दोस्तों। और आपका कोई सा सवाल है दोस्तों तो कमेंट्स में बताइएगा, हम उसका जवाब देंगे एक वीडियो के रूप में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। ओके बाय।